अजमेर की क्रिश्चन गंज नंदेश्वर महादेव मंदिर के पास गौरव पथ पर आगामी गर्मी को देखते हुए पानी पीने के लिए प्याव का निर्माण किया जा रहा है। इसकी जानकारी मिलने के बाद नगर निगम के अधिकारी व कर्मचारी अतिक्रमण दस्ते के साथ मौके पर पहुंचे और प्याव बनाने के सामान को जब्त करने का प्रयास किया गया। इसकी सूचना मिलते ही स्थानीय जनप्रतिनिधि और लोगों ने इसका विरोध किया, पर निगम के कर्मचारियों का घेराव करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। हिंदू संगठन व बीजेपी नेता राजेश शर्मा का कहना है कि नंदेश्वर महादेव मंदिर बरसों पुराना है और यहां पर भी प्याव बनी थी, लेकिन उसका फिर से जीर्णोद्धार किया जा रहा है और यह सबके लिए होगी क्योंकि आगामी दिनों में गर्मी का सीजन आ रहा है। उसको हटाने के लिए नगर निगम की टीम पहुंची है, जिसका विरोध किया गया है और वह बैरंग लौटे हैं। उन्होंने कहा कि प्याव यहां पर बनेगा और सभी के लिए पीने की पानी की व्यवस्था होगी, जिससे कि कोई परेशान न हो। वही निगम के अधिकारियों ने इस मामले को लेकर उच्चाधिकारियों को अवगत कराया है। नंदेश्वर महादेव का बहुत पुराना मंदिर है, यह बहुत पुरानी प्याव बनी हुई है। उस प्याव में बीच में थोड़ा सा टूट फूट हो गई थी, उसको रिनोवेट कर रहे थे। प्याव बहुत पुरानी है, गर्मी का समय केवल एक पूजा पाठ के लिए कि अपन लोग आते हैं, जो अपन लोग पानी पीते हैं उसके लिए प्याव का रिनोवेशन चल रहा था। उसके लिए आज अतिक्रमण वाला दस्ते यहाँ पर आए और इस प्याव को तोड़ने लग गए और यहाँ पर आकर के इन्होंने इस तरह की हरकतें करी कि मतलब महिला और बच्चों से भी बदतमीजी करने लग गए और यहाँ पर जो कार्यकर्ता थे उनके भी उन्होंने डराने धमकाने की कार्रवाई करी है। अभी हम लोग सब आ गए थे सारे के सारे, यहाँ पर लोगों ने अब इनका वापस रवाना कर दिया। अगर अगर फिर भी अगर कार्रवाई कर दे, सब यही खड़े हैं पर मंदिर पे खड़े हो जाएगा। मंदिर के नाम पे तो पीछे को हट ही नहीं सकता, हमारा मूल काम ये है मंदिर के पहले भी इस मंदिर पर बहुत लोगों ने प्रयास किया, कोई भी आ जाए इस मंदिर के लिए हम लोग कभी भी ना हटे ना हटेंगे, यही पे रहेंगे। चक्र वीर बजरंगे। गौरव पद स्थित नंदेश्वर महादेव मंदिर पे जो पुरानी जो प्याऊ बनी हुई थी, पुरानी जो प्याऊ बनी हुई थी उसका हम रिनोवेशन करवा रहे थे और पुरानी को हटा के सिर्फ हम रिपेयरिंग और ये बनवा रहे थे। इसमें निगम का दस्ता आया और वो कह रहा था भाई तुम दुकानें बना रहे हो, यहीं के कुछ लोग हैं जिन्होंने शिकायत करी थी कि भाई यहाँ दुकानों का निर्माण हो रहा है, दुकानें बनाई जा रही है। तो हमारा सिर्फ सबसे नियम से यही निवेदन था कि ये हम दुकानें नहीं बना रहे, हम सिर्फ जो प्याऊ जो पुरानी जो प्याऊ थी उसको हटा के सिर्फ नई प्याऊ बनाई है और उसके रूप आज हटाने के लिए आए। तो हमने उनसे अनुरोध किया तो आज वापस लौट गए हैं। अगर फिर भी अगर ऐसी कोई कार्रवाई होती है तो मंदिर के नाम पे हम जो भी यहाँ की जनता है सब तैयार रहेगी। तो केबिन देखो वो विषय, उस विषय में हम कुछ नहीं कहते, हमारा सिर्फ विषय ये था हम प्याऊ बना रहे थे, हमारा मंदिर और प्याऊ से है, बाकी विषय में हम कुछ नहीं कह सकते। रमेश चौहान।